सीजीआई चंद्रचूड़ ने दिया लोन लेने वालों के हक में फैसला। बिना पक्ष सुने खातों को फ्रॉड घोषित न करे बैंक। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने समझी आमजन की मजबूरी। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ अब किसी पहचान के मुताज नहीं। देश का हर युवा उनकी नाम से भलीभांति वाकिफ है। इतिहास के चीफ जस्टिसों में सीजीआई चंद्रचूड़ सबसे लोकप्रिय हैं। उनका एक एक फैसला लोगों का दिल जीत ले रहा है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एक बार फिर लोन धारकों के पक्ष में ऐसा फैसला दिया जिससे सभी लोन धारक गदगद हैं। सीजीआई के इस फैसले से बैंकों को बड़ा झटका लगा। सीजीआई के फैसले से बैंक की मनमानियां हो जाएंगी खत्म। अब लोन लेने वाले के पक्ष सुने बिना बैंक नहीं कर सकती ऐसा। अब नहीं पड़ेगा कर्ज धारकों के सिविल का असर। बैंक की मनमानी हो जाएगी बंद। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के इस फैसले की चारों ओर हो रही वाहवाही। जाने क्या है पूरा मामला। सीजीआई ने लोन धारकों के पक्ष में क्या फैसला दिया। सीजीआई फैसलों के बाद क्या बदल जाएगा, हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को दिया बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को लेकर अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक लोन लेने वालों का पक्ष न सुना जाए तब तक उनके खातों को फ्रॉड घोषित न किया जाए। कोर्ट ने कहा ये एक तरह से लोन लेने वालों को ब्लैकलिस्ट में डालने के समान होता है। फैसले में डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या कहा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा लोन लेने वाले के पक्ष को सुनना भी जरूरी है क्योंकि उनका पक्ष सुने बिना अगर उनके बैंक खाते को फ्रॉड घोषित कर दिया जाता है तो उनकी सिविल पर गंभीर असर पड़ता है। कोर्ट ने कहा लोन लेने वाले के अकाउंट को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने के फैसले का तार्किक तरीके से पालन किया जाना चाहिए। यह फैसला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की याचिका पर आया है। कोर्ट ने कहा ऑडी अल्ट्रम पार्टेम के सिद्धांतों को भी पढ़ा जाए। ऑडी अल्ट्रम पार्टेम का मतलब है प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। इसके तहत कोई भी व्यक्ति बिना सुनवाई के अपराध घोषित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को सुनवाई का मौका मिलता है। फ्रॉड कैटेगरी में डालने के गंभीर परिणाम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिना सुनवाई का अवसर दिए लोन लेने वालों के खातों को फ्रॉड कैटेगरी में डालने से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा किसी अकाउंट को फ्रॉड की कैटेगरी में डालने से पहले बैंकों को एक तर्कपूर्ण आदेश पास करना चाहिए ताकि किसी भी मनमाने फैसले से बचा जा सके। कोर्ट ने कहा प्राकृतिक न्याय यही मांग करता है कि कर्जदार को नोटिस दिया जाना चाहिए और बैंकों ने जो नतीजा निकाला है उसका जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ किया सुनवाई का अधिकार एफआईआर दर्ज करने से पहले कर्जदार को नहीं मिलेगा।